सो आज हम बनाएंगे ओट्स का चीला। अब तुम कहोगे आशीष बनाना कैसे है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ वीडियो देखो, आई विल टेल यू कैसे। हेलो एवरीवन, आई नो यू हैव मिस्ड मी अ लॉट, इसलिए वापस आ गया हूँ विद द न्यू एंड वेरी स्पेशल शो खाना खजाना विद आशीष। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इस दुनिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए, जो कि काफ़ी अनहेल्दी है, आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू टेल यू समथिंग वेरी हेल्दी एंड टेस्टी टू। सो स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस एंड आई विल शो यू हम आज क्या बनाने वाले हैं। कीप वॉचिंग। सो आज हम बनाने वाले हैं ओट्स का चिला, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए ओट्स, जो कि कोई भी हो सकते हैं। फिर हमें चाहिए बेसन, जिसका कि हमें एक प्रोपोर्शनल बेसिस पे मिक्सअप करना पड़ेगा। फिर हमें चाहिए कुछ वेजीज, वेजीज में ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट टमाटर, दिस ग्रीन चिली, कांदा, वी नीड सम कॉर्न्स, सो हमने कॉर्न का पूरा पैकेट ले लिया। देन वी नीड सम स्पाइसेस, वेरी गुड स्पाइसेस, एंड ऑल्सो वी विल ऐड द सिनेमन पाउडर इन दिस। सो आफ्टर ऑल दिस वी विल यूज दिस कनी फॉर स्टफिंग पर्पस। तो हम लोग एक चिले के हिसाब से सारी चीज़ें काट लेंगे, थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी मिर्चियाँ, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कॉर्न, और ये निकाल लिए हैं ओट्स, जिन्हें कि अब टोस्ट करना पड़ेगा। टोस्ट करके ग्रिल करेंगे इसे, फिर आपको बताते हैं और क्या क्या करना है। चलो किचन में चलते हैं। सब इस ओट्स को डालेंगे गैस पे, और ध्यान रखें गैस की आँच थोड़ी धीमी रहे, वरना ओट्स जल सकते हैं ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो अभी हमको इसमें डालना है ओट्स का वो पाउडर जो हमने भी ग्राइंड करके बनाया है, और लेकिन से आटा का ही पाउडर इसमें से डाल देते हैं पूरा। या दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली होगी, यहाँ में ओट्स और बेसन के बीच में प्रोपोर्शन रखना है। सो यू कैन कीप इट लाइक 50-50, 60-40, 70-30 बेस्ड ऑन योर टेस्ट और समथिंग। सो हम लोग रखेंगे 60-40 के अप्रॉक्सीमेट, और बेसन ऐड कर देंगे। और फिर उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो हम ऐड करेंगे अपनी सारी की सारी वेजीज, चलो उनको ऐड कर लेते हैं। ये गए हमारे कॉर्न, ये गए हमारे प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली। सो सब डाल के इसके अंदर वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक प्यार ऐसी कंसिस्टेंसी में बैटर बना के अपना चिला प्रिपेयर करेंगे। ये पनीर हम डालेंगे स्टफिंग में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ चिला। तो चलो पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा। ऑयल ऐड करना है, सो आई एम जस्ट यूजिंग अ मस्टर्ड ऑयल, यू कैन यूज ऑलिव, कोकोनट, पर रिफाइंड यूज मत करना, रिफाइंड इज बैड मैन। हल्का सा और यार थोड़ा सा ही ऑयल है, बिकॉज दिस इज जस्ट ब्लैक तवा, सो पता नहीं चल रहा, बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ करा है। तो जो अपना बैटर है उसको हम डालेंगे इसमें, हम अच्छे से फैला देंगे।
सो अपना चिल्ला इज़ रेडी, अब बस हम लोग इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। देखते हैं स्टफिंग कैसी बनती है। बहुत इजी यार, बस सीधा पनीर लो, जो जिस तरह बनाया था उसी में डाल दो, उसको मस्त चलाओ थोड़ा सा। ओके सो अब हम लोग स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग में वी विल ऐड मेयोनीज आल्सो। हेल्दी डजंट मीन की टेस्टी भी ना हो, थोड़ा टेस्ट चाहिए यार, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। मेयोनीज लगा के इसको अच्छे से फैला के कर देंगे। इसके बाद हल्की सी केचप, नॉट टू मच केचप, बहुत ज़्यादा टैंगी कर देती है फ्लेवर को। थोड़ी सी रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी फैला देंगे। इसके बाद हमने पनीर सॉटे करे हैं, इसको फैला देंगे। आप सर्व करके थोड़े से मसाले भी ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची, इसका नाम भी लिखेगा। देन थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू कीप योर सेल्फ सो हेल्दी। आई विल ऐड वन मोर थिंग, जिस हम डालेंगे प्याज कच्चे, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। मज़ा अलग है, प्याज का अपना मज़ा है। तो बस हम इसको करेंगे हम पैरट के सेट, इसके ऊपर एक मछली लगाएंगे, एक प्याज सा कट। गाइस प्रेजेंटेशन इज़ सो बैड, जो कि गलती से हो गई है, बट आई मेक श्योर कि टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो टेस्ट के लिए अब हमें जाना पड़ेगा अपने। ओके गाइस, सो चिल्ला इज़ रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है शायद, नॉट श्योर। हम अपने घर के जज से पूछेंगे, जाके सब नीचे चलते हैं पूछने के लिए। यो सब इन लोगों से पूछते हैं चिल्ला कैसा बनाए। चलो तो चिल्ला वाह, सो सो टेस्टी। आप भी बनाएं, ट्राई करें, मज़े करें और मुझे बताएं कमेंट में कैसा लगा। Nice.